वो राइट वाला है सर जी, उसमें भी है एक एमएसबी अभी स्टार्ट कर रहा है, एक कर रहा है। फिर बाकी 13 हमारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि आपके डायरेक्शन से उनको 5-5 करोड़ रुपये सेपरेट प्लान बनाते हैं, उसमें बहुत सारे सर आप अभी तो लोकल परचेज का भी कुछ वैसा वो जी जी होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हो जाएगा सारा इसको भी काम आ जाएगा। और वो जो लोकल परचेजेस का दोस्त सर हमने किया तो था कि इनको डिसीजन हम बजट में दे तो रहे थे 2020 20 अभी हम पुराना वाला कर रहे हैं ना। अच्छा इसको कर दिया वर्कआउट नया बजट है जी जी अभी उसमें आएगा नहीं वो पैसा आया है और इसको अलावा सूरत तो चीज़ें मिली कि मैडम का हमको पैकेज
और अभी गायनी का आपके पास केस है सितंबर के महीने से सेकंड भी है जिसमें फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसेज यहीं लाए ये 14 ऑफिसेज होंगे सर इसमें टोटल ये यूनिट्स हैं सर इस टाइप में आएंगे ना ये पूरा ये एक सेटअप होगा ऑफिस का ये दूसरा सेटअप होगा आपका ये थ्री स्टोरी होगी फर्स्ट स्टोरी में यही होगा और इसमें नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस होंगे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे पूरा हॉल होगा ये कोशिश सर अभी तो बन गया लेकिन आगे ऑफिस तो यूनिवर्सिटी का हम अपना भी कर सकते हैं आराम से यूनिवर्सिटी हमारा फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है फंडिंग नहीं कर रही है तो ये बिल्डिंग बना के हम इधर शिफ्ट करवा सकते हैं इसका भी तकरीबन एलोकेशन पूरा मिला हुआ नहीं इस पर कम भी है सर 30 मिलियन नहीं एलोकेशन तो पूरी है रिलीज का मतलब इसका सर सामने एक मिनट सर पेट्रोल चेक करेंगे पीछे नहीं आ रहे सर एक मिनट सर मैडम एक मिनट आगे मत ले जाए
अच्छा काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर का सारी बारी काफी मेहनत से काम कर रहे हैं दिन रात इसके साथ इसके किसी के ग्रपले का आदमी हर जगह बना है यही बने और स्टोन सर ये तो बता रहे तो एक ये जो मेन ये है और इन पर कह रहे थे कि किस वगैरह कोशिश करें कि आपका ये जो स्टोन वर्क है ना लॉन्ग लास्टिंग है ये रंग मंग ये बता होते हैं लेकिन उसका फिर थोड़ा रिवीजन आएगा कितना आएगा माइनर आएगा लेकिन करवाए करवा लेना पड़ेगा नहीं कोई बात नहीं और इसमें एक सर आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ इसमें जो विंडोज रखे गए हैं पहले तो विंडोज इसमें है एल्यूमिनियम ठीक है तो हम चाहते थे कि इसमें हम करें सही उसका हो जाएगा अच्छे करें ना लॉन्ग लास्टिंग आएगा स्टोन काम ले आए यू पी वी सी ले आए ये अच्छे हैं वैसे फर्श तो आपके वही होंगे मार्बल होगा बेस्ट है बिल्कुल ठीक है क्योंकि जितना मार्बल डाल सकते हैं ना मिसाल है और कुछ नहीं आपके जैसे ये पैचेज अगर हो गया आपके ये हो गया ये फसाड का हो गया ये वाले हो गए इसमें कि फिर आपको मेंटेनेंस करनी होगा कम आएगा अभी आपको कितना इस साल 20 तो दे दिए 23 का आपको 200 मिलियन आ गया ना आपने बोला 120 इस साल का तो अभी आएगा ना इस साल का आएगा हाँ तो अभी आ जाएगा तो 20 हो जाएगा 120 200 अगर आ गया तो ये तो 100 ही आएगा एलोकेशन कितना लगा है इस साल तो यही तो आएगा ना नहीं तो यही आएगा और कौन सा आएगा हाँ 20 आ जाएगा 3 करोड़ हाँ आप इसको दिसंबर तक स्पीड अप करें ना सारा काम ले जाएगा ये तो अभी मेरे पास अभी आधे ले आएगा ना ऑथराइज कर दूंगा आपको 200 आ जाएगा अगर ये आपने कंप्लीट किया ये 3 करोड़ भी आपको मिलेगी इसका एक एक काम कीजिएगा फ्यूचर में अच्छा ही कॉम्प्लेक्स का अच्छा है ये आप पोर्शंस में भी बना सकते हैं जैसे कि आप जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन हो गया एक इस तरह डिफरेंट डिफरेंट तो सबको एक एक हमने पोर्शन बना बस सेकंड स्टार्ट है ना और एक सेक्शन जगह है हमारे पास
में कॉन्फ्रेंस रूम भी है, अच्छा बनाने चाहिए उसे और डिस्ट्रिक्ट में एक और एक ही बार विंडो पे सब कुछ फेसिलिटी है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जामा लशबेला जान कमाल खान अलियाली साहब और उसके साथ तशरीफ़ फरमा हैं काबिले एहतराम मीर असदुल्लाह बलोच साहब सूबाई वज़ीर बराए समाजी बहबूद खसूसी तालीम मोहतरम मीर आरिफ जान मोहम्मद असीम साहब सूबाई वज़ीर बराए तामीरात मुआसरात मोहतरम अब्दुल खालिक हज़ारा साहब सूबाई मुशीर बराए खेल मोहतरमा डॉक्टर रुबाबा साहब खसूसी मावन बरए सेहत मोहतरमा माजबीन शीरान मेम्बर सूबाई असम्बली मोहतरम गणेश कुमार साहब मेम्बर सूबाई असम्बली मोहतरम लाला रशीद साहब मेम्बर सूबाई असम्बली और काबिल एहतराम सेक्रेटरी साहिबान मोहतरम दोस्तैन जमालुद्दीन साहब सेक्रेटरी हेल्थ मोहतरम सैफान रशीद साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन इलाकी इलाकई मौतवी और मीडिया के नुमाइंदान को मैं मंजूर आलम पर जिसकी गहराइयों से खुशामदी और बचाव कहता हूँ। रिस्पेक्टेड सर यूर काइंड परमिशन मैं मुस्तमिस हूँ जनाब डिप्टी कमिश्नर तमिल अब्दुल रजाक सातवी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और प्रेजेंटेशन पेश इज्तिमा जाम अफलस बेला वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल आलियाई साहब मिनिस्टर सोशल वेलफेयर कासिम बलोच साहब एम पी ए लाला रशीद रश्ती साहब सेक्रेटरी साहिबान पंजबूर के कवाली हमारी अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्याल में सर एक तो काफ़ी लंबा चौड़ा विजिट भी हो गया बहुत सारी ब्रीफिंग भी हो गई लेकिन चूंकि ये शिलोंग का हिस्सा था सर इसलिए आपका 3,16,385 इसकी पॉपुलेशन है सर 2017 सेंसस के मुताबिक सर इसमें टोटल 3 तहसील हैं पंजपुर पलम वारो सर 2 सब तहसील पी एच टी कलर 2 म्यूनसिपल कम्युनिटीज हैं चट्टान खुदाबादान और 10-21 यूनियन काउंसिल हैं। यहाँ पे सर पंजपुर में इस वक्त आपकी डायनामिक लीडरशिप और मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर असद बलोच साहब की विजन और इनिशिएटिव के हवाले से इस वक्त बहुत सारे इधर अहम और मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सर जिससे मणिपुर की तकदीर बदलने जा रही है सर और होपफुली नियर फ्यूचर सर ये बलूचिस्तान का एक मॉडल स्टेट बनेगा सर। इस सिलसिले में सर ये 15 ongoing स्कीम सर ये बैंकिंग सेक्टर के सर न्यू स्कीम 2020 और 21 के हवाले से हमारे पास 7 स्कीम्स हैं जो सामने सर कम्प्लीट किया आपको ब्रीफ किया सर। ये सर हमारे कोर्ट रूम के हवाले से सर बिल्डिंग है सर इसमें रेजिडेंशियल प्लेस भी है सर ये बैठकर हमारे अदालत के एडजस्टेंट है सर हमारे पास सर जो मजलिस शूरा डिवीजन मजिस्ट्रेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इनके हवाले से कोर्ट रूम की जरूरत थी सर ये वो प्रोजेक्ट है सर टोटल अप्रूव का 62.750 मिलियन कॉम्प्लेक्स का ड्रग एडिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंजूर सर ये हमारे इतनी अहम प्रोजेक्ट है सर ये टोटल प्रोजेक्ट है 65.368 मिलियन की सर। कंस्ट्रक्शन एडिशनल वर्क एग्रीकल्चर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट मंजूर सर ये एग्रीकल्चर कॉलेज बेस्टिंग सर मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर साहब का एक विजन था सर आज वाले कुछ जोर में सर एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू हुआ था लेकिन ये ब्रेक आया था इसमें से उम्मीद चाहिए था सर।
इसमें पहले नए कंपोनेंट्स डाले गए 2019-2020 को सर, और फिर 2021 को सर, इससे काम चल रहा है सर। लेकिन एंड लास्ट जो मिनिस्टर साहब के आशीर्वाद हैं वो इंशाल्लाह वो भी होते ही पहले एंड ब्लॉक पे भी काम शुरू होगा, और ये सारे एडिशनल कंपोनेंट्स हैं जो आप ही के दौरे में मिल रहे हैं सर। ये सर 2021 को सर जो मैं बिल्डिंग्स बेसिकली जो रखे हुए हैं सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल वो फारूम गैस सर जी हमारे एक नई सब डिविजन है यहाँ पे सीरियसली इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज है सर। तो इसमें पहली दफ़ा सर वहाँ पे सब डिविजन को लास्ट पहले उस तरफ शोर इधर काम, फिर शहीद अजमत शॉप, और फिर आगे खुदा वादा नाम था इस तरफ आते हुए सर मॉडल स्कूल हमारे पास टोटल नाम में स्कूल गए सर, नई स्कूल जो रोड के सेक्टर में आए बने सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ डुअल कैरिज वे फ्रॉम एयरपोर्ट टू ब्रह्मकान क्रॉस टू अल्लाह अकबर चौक सर, 7 किलोमीटर का एक रोड है सर, ये इंशाल्लाह भी आप इफ्तिता करेंगे सर। 398.397 मिलियन की रिफ्लेक्शन है सर, अप टू डेट एक्सपेंडिचर 120 मिलियन हुई है सर, फाइनेंशियल प्रोग्रेस 37 और फिजिकल प्रोग्रेस 44। यही रूट पर जाके इसी पे को टच करती है सर, ये ऑलमोस्ट इसकी लोकेशन टोटल अपनी कास्ट 70 मिलियन की हुई है, एंड 30 मिलियन सर 1920 को इसकी लोकेशन हो गई है, और 40 मिलियन इस साल सर इंशाल्लाह होपफुली इट विल बी कंप्लीटेड 100% सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल कैरेज वे मैडन एंड फुटपाथ चेक कम बी सी ऑफिस टू सो दो सर। एक और नई पॉपुलेशन सर जो बाजार से होते हुए सो दो से कोरोना सी को टच करती है सर, इसकी टोटल एलोकेशन सर 70, इसमें 30 मिलियन सर नेक्स्ट साल के हुए 40% इस साल के हुए हैं सर। ₹625 सर, ये टोटल इसकी लोकेशन जैसा 75 मिलियन, और जो इस साल तक इसका कंप्लीट लोकेशन हो गया इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा, 80% फाइनेंशियल और 80% फिजिकल प्रोग्रेस तक पहुँच गया है सर। इसकी टोटल लोकेशन है सर 300 मिलियन, 50 मिलियन पिछले साल हुई और 100 मिलियन इस साल सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ डुअल कैरिज वे फ्राम विद मैडन एंड फुटपाथ फ्राम शहीद अजमत चौक टू थर्स सर, ये 6 किलोमीटर का है, ये हमारी प्रॉपर बिल्कुल शहर के सर सेंटर में होता है, यहाँ से होते सर ये खुदा बदान को थर्स को एड फर्दर कर लिए 6 की को जाती है पाकि बाहर सर। इसकी टोटल लोकेशन है सर 300 मिलियन, 100 मिलियन 1920 को हुई है, और 120 मिलियन इस साल हुई है, 29% की फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, और 30% सर फिजिकल प्रोग्रेस। आप लोगों ने कोविड के हवाले से यहाँ क्या किया, सैलाब बलूचिस्तान में आते हैं आप क्या करते हैं, बलूचिस्तान की पसमानदगी के मसाइल आते हैं फिर आप क्या करते हैं, फिर तो ना कोई बात है ना असेंबली में, असेंबली तक बात नहीं करते। लेकिन हाँ, अब हल्ला गुल्ला करना है, जुलूस निकालना है, क्वेटा शहर को बंद करना है, और कोविड के अंदर आप किस तरह कर सकते हैं, लाखों हज़ारों लोग जो शहरों में पहले से मफलूज हैं कोविड के हवाले से, हम अब उनके अंदर बीमारियाँ इस तरह और फैलाएँ। तो मेरे ख्याल से अपोजिशन और ये सारी जमातों को ठीक है, डेमोक्रेटिक आपके पास, और मेरे ख्याल यही डायलॉग इनके वापस इनके ऊपर आ रहे हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी एक जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, डिबेट है, उसको वहाँ दिखाएं, रोड पे दिखाना कोई मायने नहीं रखता। रोड पे नहीं कि ठीक है 1,000, 2,000, 5,000, 20,000 बंदे भी आपने जमा कर दिए, लेकिन 22,000 करोड़ के सारे इंटर कॉलेज होते थे, हमने एक फैसला किया उमूमी तौर पर पूरे हिंदुस्तान में अब सारी गर्ल्स डिग्री कॉलेज होंगे और पोस्ट ग्रेजुएट्स की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हमने एड्रेस किया है, और एज अ होलिस्टिक एड्रेस किया है, ताकि हम इन सब चीज़ों को इशू को बेहतर करें, ताकि हम बलूचिस्तान के हर ज़िले को एक अच्छा ज़िला बनाएं, जहां लोग अपने लिए हर चीज़ों को एक अच्छे अंदाज में उनको नज़र भी आए और पाए भी उसको। गवादर फोर्ट सर, जो यहाँ इसका बहुत बड़ा चर्चा था गवादर फोर्ट का, आजकल इसमें थोड़ा सा खामोशी भी छा गई है, लेकिन क्या चूँकि मकरान से इसका ताल्लुक है, पहले आप सब बताते थे कि इसका ज़्यादा फ़ायदा मकरान के नौजवानों को मिलेगा,
तो क्या फ्यूचर प्लान क्या है गवादर पोर्ट से, आप लोगों ने क्या फ्यूचर प्लान बनाया है, कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं यहाँ के लोग? देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि मुस्तफीद उस चीज से, चाहे वो गवादर पोर्ट हो या चाहे वो कोई भी जगह हो, उस वक्त होगा जब आपने अपने नौजवानों की तैयारी कराई। आपका नौजवान कैसे तैयार होगा, मजदूर का आदमी कैसे तैयार होगा, काबिल होगा, तालीम याफ्ता होगा, हुनरमंद होगा, तब जाके ग्वादर पोर्ट का फ़ायदा लेगा, क्वेटा के अंदर इंडस्ट्री का फ़ायदा लेगा, लसवेला में या बैरून मुल्क जाएगा या दुनिया में कहीं भी जाएगा। जब उस बेचारे के पास ना कोई हुनर है, ना तालीम है, ना कुछ है, उससे पेशोरी करना है, वो क्या करेगा? इसीलिए हम समझते हैं कि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है, सबसे पहले लेवल पर टेक्निकल कॉलेजेस, पॉलीटेक्निक्स, बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेजेस, साथ हमारे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है जो कि हमने MOU साइन किया है। बलूचिस्तान के हर ज़िले के अंदर तकरीबन इंशाल्लाह 25,000 बच्चे और बच्चियों को हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आके खुद वो ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम भी चल पड़ा है, वो आके उधर के ही स्किल्स को उनके लिए बेहतर करेंगे, उनको थोड़ा सा गाइड करेंगे और आगे की तरफ ले जाएंगे। देखिए हमने CPEC पे बहुत बात की है पाकिस्तान में, लेकिन CPEC में माजी में जो हमारे गवर्नमेंट्स यहाँ से रहे हैं, माजरत के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कहते जी आप ही वफाक का हिस्सा रहे, आप स्टेट मिनिस्टर थे, बिल्कुल मैं था, लेकिन सूबाई हुकूमत एक वाहिद हुकूमत होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो किसी MNA या सेनेटर के बातों पर हुकूमतें नहीं चलती हैं। सूबाई हुकूमत जहाँ अपना जोर डालती है वो चीज़ें फिर तब्दील होती हैं। माजी में आप बताएं कौन सा CPEC से बलूचिस्तान में काम हुआ, एक भी काम नहीं, एक भी काम नहीं। इस गवर्नमेंट में पहला काम वेस्टर्न बाईपास वेस्टर्न का शुरू हुआ, हाँ ग्वादर पोर्ट बना, ग्वादर पोर्ट सबके लिए, ग्वादर पोर्ट सिर्फ अच्छा ग्वादर का पोर्ट भी हमने बना दिया, लेकिन ग्वादर का जो शहर है उसके लिए कोई काम ही नहीं किया। आज आप ग्वादर जाएँ तो ग्वादर का तो लोग अपने आप को कहते हैं कि जी हम बड़ा नेशनलिस्ट हैं और दूसरे हैं, उन्होंने मास्टर प्लान ही मंजूर नहीं कराया। अब अब आप ग्वादर के पुराने शहर को नहीं हटा सकते क्योंकि हमने उसका मास्टर प्लान अप्रूव करा के उसकी लेजिस्लेशन की, तो उनको सिक्योर किया है। अब उनके घरों को, उनके स्ट्रीट्स को, उनके पानी के निज़ाम को, उनके सेहत के निज़ाम को, उनके बाकी चीज़ों को भी हम बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरत ग्वादर में थी पुराने शहर को बेहतर करना। जो ग्वादर का बेरोज़गार है, ईस्ट वे आपका जो वेस्ट वे है, जो अभी काम पिछले 1.5 साल से शुरू है, ये इस गवर्नमेंट में हुआ, जो कि हमारे मच्छरों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि जी आप इतना बड़ा पोर्ट तो बना रहे, हमारे को हम तो फंस जाएंगे सारे। सो देखिए कहने का मकसद है कि अमली तौर पर काम करना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, चाहे वो वफाक हमारे साथ हो या हम खुद कर रहे हों, और हमने इन दोनों के साथ मिल के ये कामों को आगे बढ़ाया। सर एक आपके शासन जो है वो हमेशा नाराज रहती है, जी जी, कि हमारे सब घर में बैठी है और जगह सब बैठे वो कुछ नहीं कर रहे, तो आखिर साहब आज इतना कुछ कर रहे हैं, इस हवाले से क्या पैगाम? देखिए मैं तो आपको उनसे सिर्फ मैं आपको 2-3 जिलों का नाम बताऊँ। हाँ ये उनको एतराज़ है कि हमारे थ्रू नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है। मैं खुशदार में हमारी कोई पार्टी नहीं है, BNP अवामी का कोई नहीं है, हज़ारा डेमोक्रेट कोई नहीं है, PTI का नहीं है, BAP का कोई नहीं है, लेकिन आप आज खुशदार का रिकॉर्ड निकालें, खुशदार के अंदर उतनी ही तरक्की हो रही होगी जो रसवेला में हो रही है, पिशीन में उतनी ही तरक्की हो रही होगी जो शायद मजबूर में हो रही हो। तो ये शो करती है कि हाँ हमने लोगों के लिए काम करना है, हमें अपोजिशन के लिए तो काम नहीं करना है। हाँ अपोजिशन का रोल है वो तो अभी हमारे खिलाफ ESDP के हवाले से हाई कोर्ट में गए हैं, क्योंकि बड़ी अजीब बात है कि अपने सूबे की तरक्की को रोकने के लिए आप हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं कि जी इस तरक्की के अमल को क्या होगा, काम रुक जाएंगे, नुकसान किसको होगा? नुकसान लोगों को होगा, जो अस्पताल बन रहा होगा वो रुक जाएगा, जो स्कूल बन रहा होगा वो रुक जाएगा, जो रोड बन रहा होगा वो रुक जाएगा, जो पानी की स्कीम बन रही है वो रुक जाएगी, जो स्टेडियम बन रहा होगा रुक जाएगा, बुलडोज आवर्स तक भी उन्होंने पिटीशन किए वो भी बंद कर दिए गए। तो कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान के अंदर तो इतनी भूख है काम की, तो हमें तो एक कदम आगे जाना चाहिए, हमें अपोजिशन को हमें बोलना चाहिए कि जी आप बिल्कुल आप काम करें, हम आप बोलते हैं हमारे अजला में और काम करें, हमें बताएं हम और काम उधर करेंगे, लेकिन सिर्फ अगर हमने अपोजिशन का किरदार इसलिए अगर निभाना है कि जो काम हो रहा है उसको हम निगेट करें, उसको ना माने, लेकिन हम काम करके आपको दिखाएंगे। आज मीडिया हमारे साथ के कि जो चीज़ों पर हमने काम किया है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोली, खाली तख्तियाँ नहीं है, या कंस्ट्रक्शन हुई है, या ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, या रोड बन रहा है, या यूनिवर्सिटी का कैंपस बन चुका है, या डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं कि जी कुछ नहीं हो रहा। और ये चीज़ शायद मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों को मुतासर के साथ साथ थोड़ा परेशान भी कर रही है कि अगर इन्होंने 2-3 साल इस तरह के और काम कर दिए तो हो सकता है कि बलूचिस्तान में जो एक अमली तरक्की का जो नारा हमारी सारे कोलिशन हम सब गवर्नमेंट ने किया था उसको फिर इनके लिए फेस करना बड़ा मुश्किल। अच्छा सर एक और चीज नहीं, पहले तो नहीं हो रहा है।
तो 18 को जब वो यहाँ से स्टार्ट करें उनके लिए क्या क्या समझते हैं कि उपलब्ध होगा या कामयाब? देखिए मैं ये पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक पूरी ये सब चल रही है, पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को इस स्टेज में चीज़ों को बेहतर करने की जरूरत है। हम चीज़